हेलो गाइस, तो आपको पता ही है कि अपने साथ एक स्कैम हुआ है अमेज़ॉन पर। रिन्यूड लैपटॉप ऑर्डर किया था, बट लास्ट वीडियो बनाया मैंने, अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब, तो भी बताता हूँ उस पर अपडेट है कुछ। अपनी तरफ से मैं जितने हाथ पैर मार सकता था हमने उतने हाथ पैर मारे हैं, ठीक है। एंड जहाँ पे लैपटॉप ऑर्डर किया था हमने, जहाँ पे ऑर्डर आया था हमारा, वहाँ पे किसी के घर पे, जो कॉर्नर का घर था, वहाँ पे सीसीटीवी देखा हमने, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने यहाँ सीसीटीवी फुटेज दिखा दोगे हमें। 3 दिसंबर को हमारे एक ऑर्डर आया था और ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तो फाइनली एंड थैंक्स टू हिम कि उन्होंने हमें प्रोवाइड करी ये वीडियो। आप देख सकते हो ये डिलीवरी बॉयज़ थे, यानी किस तरीके से पैकेज को हैंडल कर रहे हैं, आप खुद देख लो। एंड जो एक बच्चा साइड में खड़ा है ना, इसी गोदी में एक बच्चा है, ये मेरे फ्रेंड का कज़न है, यही ऑर्डर रिसीव करने गया हुआ था बिकॉज कॉल आ चुकी थी, ठीक है। यानी वहाँ से आ रहा था तो इसको पता दिख गया कि यही है, इसने बोला कि हमारा पैकेट है, तो वो ओटीपी वगैरह इसके पास फ़ोन तो था नहीं, तो ये वेट करके देख रहा है कि घर से कोई देख ले बाहर की तरफ, तो ओटीपी मांग ले, तो फिर ये लेके जाता है अपने साथ कि आओ मेरे, हमारा घर वहाँ पे है, ओटीपी आपको देता हूँ मैं वहाँ पे चल के, ओके। तो ये पैकेट पे आप ध्यान से देखो पैकेट, ओके। तो आप देख सकते हो मैंने जूम भी करके दिखा दिया है कि किस तरीके से लेबल वगैरह इस पर लगे हुए हैं, ठीक है। और भी मैं उसी पैकेट की अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूँ साइड में, ये प्रूफ है हमारे पास कि वही पैकेट है जो उनके पास था, उसे ही हमने अनबॉक्स करा है, सील इंटैक्ट है, कहीं से भी कोई छेड़खानी नहीं करी है। एंड पता ही है आपको, यार लैपटॉप तो अंदर निकला नहीं, लैपटॉप का बॉक्स ज़रूर निकला, एंड जो कि वो ओरिजिनल बॉक्स था लैपटॉप का, बिकॉज सिमिलर लैपटॉप है हमारे पास, दैट्स वाई मुझे वेट का भी आइडिया था। एंड वो बॉक्स देख के थोड़ा सा मैं बेफिक्र हो गया कि हाँ ठीक है, अपना डेल का ही लैपटॉप है, लैपटॉप का बॉक्स है, बट फिर भी लाइट फील हो रहा था, ओके। एंड सिमिलर लैपटॉप हम यूज़ कर रहे हैं तो वेट तो फिगर आउट कर सकते हैं। तो अभी आपको पता है फिर अंदर एक सैंड बॉटल निकलती है, एंड एक बबल रैप्ड कुछ भी कबाड़ा निकलता है, जिसे अब तक ओपन नहीं किया है हमने, बॉक्स को उठा के रखा हुआ है। नेक्स्ट लेवल देखते हैं ध्यान से, बिकॉज टाइम तो एक्साइटमेंट में डब्बा खोल दिया डायरेक्ट, एंड वीडियो रिकॉर्ड कर ली कि कोई स्कैम ना हो, बिकॉज पास्ट में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सील थी, उसके अंदर भी ऐसा कुछ सीन हुआ था, दैट्स वाई उस चीज़ का ध्यान रखा था हमने। तो अब डब्बा देख लो, ठीक है, डब्बा ओरिजिनल है डेल का, वही लैपटॉप का डब्बा जो हम यूज़ कर रहे थे, अपने पास था जो लास्ट टाइम आया था, तो वो डब्बे को लेके तो कोई डाउट नहीं था, बट वेट का डाउट था। बट ये लगा कि रिन्यूड प्रोडक्ट है, तो चलो हो सकता है सेलर ने एक्सेसरीज चेंज करके दी हो, ओरिजिनल चार्जर ना दिया हो, सपोर्टेड चार्जर दे दिया हो, बट फिर भी हमने वेट पे डाउट करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करी, और आप वीडियो देख ही सकते हो साइड में, एंड उधर टाइम भी चल रहा है, आप टाइम पे भी ध्यान दो, जो अपना लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे टाइम दिख रहा है आपको, वो सीसीटीवी फुटेज उनसे जिनसे लिए उनका है, ठीक है। एंड तब तक वो हमें देखे गए घर के बाहर आके, वो ओटीपी वगैरह बताया मेरे फ्रेंड के कज़न ने उसको अपने घर से पता करके, ओके। एंड फिर अभी स्पीड भी देखना, उनके जाने की भी स्पीड देखना कैसे जाते हैं वो बंदे। और ये देखो, ठीक है, ये हो गया अपने साथ स्कैम बहुत बुरे वाला, और वो बंदे हमें चिपका के गोली की रफ्तार से चले गए, ठीक है। ओलंपिक में अगर ये कोई इवेंट हो ना तेज चलने का, मतलब तो ये बंदे उसमें गोल्ड मेडल ला सकते हैं, ठीक है, चांसेस हैं इनके पूरे पूरे। तो देख लो भाई, कबाड़ा मिला अंदर, और अभी देखो टाइम भी देखो क्या टाइम हुआ है, 5:18:20 के करीब करीब हुए हैं, और अपने पास पैकेट आ गया था ऊपर ये, बिकॉज इतने टाइम पे शायद आ गया होगा ये, और 5 मिनट ही लगे हमें अनबॉक्सिंग वगैरह करने में, 2 मिनट सारी की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 2-2.5 मिनट की वीडियो है। और अभी आपने स्क्रीनशॉट देखा, 5:25 पे हम कॉल कर चुके थे अमेज़ॉन सपोर्ट को, और ये बंदे यहाँ से रफा दफा हो चुके थे, ठीक है। आ गया आज, बट इसके अंदर लैपटॉप ही नहीं है, ओके। एंड जो भी चीज है मैंने उसको ओपन नहीं किया, वो अभी बबल रैप एंड प्लास्टिक उसके टेप के साथ ही लगा हुआ है उस पर, मैंने उसे ओपन भी नहीं किया, बस मैंने बॉक्स ओपन करके देखा एंड उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, बिकॉज मेरे को डाउट है, वेट मेरे को बहुत हल्का लगा, बिकॉज सिमिलर लैपटॉप में पहले मंगाया था तो वेट हैवी था उसका, मेरे को पता है 2.3 किलोग्राम्स के अराउंड, तो अब मेरे को पहले ही डाउट हुआ कि बॉक्स इतना हल्का कैसे आ गया, बट जब उसे ओपन किया एंड बाद में जो मेन पैकेजिंग थी बॉक्स की उसे ओपन किया, तो अंदर साफ दिख रहा है, मतलब बॉटल रखी बढ़िया स्टैंड भर के चार्जर वाली जगह पे, लैपटॉप की जगह पे ऐसे कुछ भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही होगा शायद, वो कोई ऐसे ही लग रहा है मुझे, बबल रैप एंड टेप लगा के डाल रखा है। पर्सन के थ्रू जा चुकी हूँ मैं सर, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेशन रेज किया है, प्लीज वेट करिए जो टाइम पर मैंने दिया है उसके लिए, ठीक है, आपका इश्यू रिजोल्व हो जाएगा। और कोई सवाल है आपके? नहीं नहीं बस यही है। तो काफ़ी लंबी कॉल रिकॉर्डिंग थी, 11-12 मिनट शायद मैंने उनसे बात की है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, लास्ट टाइम वाला सिनेरियो भी उन्हें बताया है, इस बार का भी बताया था,
तो बट अभी चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। बात यह है कि आज मेरे साथ हुआ है, बहुत से लोगों के साथ हो सकता है, एंड कई भाई ऐसे होंगे जो और मतलब वीडियो रिकॉर्ड भी ना कर पाए या उनके पास और कोई प्रूफ ही ना मिले। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हो सके ना अगर सिमिलर प्रोडक्ट आपको सेम प्राइस पे मिल रहा है, बिकॉज बंदे ऑनलाइन इसीलिए खरीदते हैं कि प्राइस डिफरेंस रहता है, अगर सिमिलर प्राइस पे ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा है तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, हाथ पैर चला लो, थोड़े से जाके ले आओ, ठीक है। अगर कोई अच्छी डील मिल रही है और अच्छा डिफरेंस है, 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको प्रोडक्ट पे देखने को मिल रहा है, तो ऐसा करो ऑर्डर तो बेशक कर लो, ठीक है। पहले तो बोलूँगा अगर देखना बाहर भी उसी प्राइस में मिले तो ले लेना, अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई ऑनलाइन बाई करना है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, देन डिलीवरी बॉय के सामने ही रिकॉर्ड करना अपने वीडियो, उसके सामने अपना प्रोडक्ट खोल के अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। वही सबसे बड़ा प्रूफ होगा और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, और कोई भी इशू आपको उस टाइम पे देखने को मिलता है तो साथ ही साथ कस्टमर सपोर्ट पे बात की जाए। डिलीवरी बॉय को उधर ही रोक के रखना कि भाई आप बता देना कि आपके सामने ऐसा हुआ है, एक बार मैं जस्ट कॉल करके बता दूँ, ठीक है। वो बता देगा उनको कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, इन्होंने मेरे सामने पैकेट चेक किया और ऐसा ऐसा है, ठीक है।